Hello guys, today we are going to revise the chapter Motion in a Straight Line, which is given as chapter number 3 in NCERT class 11th part 1. So let's check what we are going to do as the main points. Sabse pehle hum log samjhenge the concept of position, path length and displacement. To take first concept of position. सबसे पहले physics में जब भी आप position define करते हैं तो आपके पास दो main points होने चाहिए. First of all, there should be one reference. Means आप किसके respect में position define कर रहे हैं. तो generally हम फिजिक्स में चूज करते हैं ओरिजिन इफ नो अदर थिंग इज गिवन. एंड इसका आप डेली एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज इन योर सिटी द रेलवे स्टेशन विल बी और द बस स्टैंड विल बी और द एयरपोर्ट विल बी कंसीडर्ड एज द ओरिजिन. ड्यू टू इट्स रिस्पेक्ट यू विल बी finding the position of the other objects. And the second requirement is the coordinates of the object in consideration. तो जिसको हम बोलेंगे local coordinates. Suppose आप एक mall की position बताना चाहते हैं. Suppose there is a Phoenix mall in your city और आप उसकी position बताना चाहते हैं रेलवे स्टेशन के कंपैरिजन में. तो आपको कुछ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और वेक्टर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा. सो टेकिंग एन एग्जांपल, हमने फिनिक्स मॉल के कोऑर्डिनेट्स बता दिए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन. सपोज द कोऑर्डिनेट्स इज, हम 2D ले रहे हैं, ठीक है. 2D मीन्स आप एक्स वाई के कंपैरिजन में बताएंगे. सपोज द मॉल हैज कोऑर्डिनेट्स 3.4 विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन. तो आप रेलवे स्टेशन से लेके मॉल तक का एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स 3 एक्स एक्सिस के अलोंग है एंड 4 वाई एक्सिस के अलोंग है. तो आप RM वेक्टर को बता देंगे 3 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप, ठीक है. सो इस तरह से आपने पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर दिया फॉर द फिनिक्स मॉल. नाउ सपोज सम अदर इंस्टीट्यूट और सम अदर प्लेस हैज द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एज 5, 0, 4. दिस इज इन 3D मीन्स x-axis, y-axis as well as z-axis. तो आप इसका position vector indicate करेंगे 5i plus 0j plus 4k. Now, this is not needed to indicate 0j because it is ultimately 0. So, you will indicate just as 5i plus 4k. अब आप निकालना चाहते हैं इसका डिस्टेंस. मींस डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन. तो आप डिस्टेंस के लिए इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय लाइक दिस. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5² + 4² तो बेसिकली व्हाट वी हैव यूज्ड, आप जो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1² + y2 - y1² दिस वी आर टेकिंग जस्ट फॉर 2D. सो पुट किया हमने 5 - 0² + 4 - 0² सो इट इज अंडर रूट ऑफ 25 + 16.
So this will be square root of 41, and because this is a distance, hence it is called as unit, matlab meter, centimeter, kilometer. Next concept lete hain hum, rectilinear motion. So rectilinear means if the particle moves in a straight line, this is called as rectilinear motion. For example, ek example lete hain, motion of a vehicle. ठीक है, सपोज आपको ले लेते हैं, आप एक टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं एंड ऑन द रोड कर रहे हैं आप. सो ऑब्वियसली रोड विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेट पाथ एज वेल एज द स्मॉल टर्न, स्मॉल कर्वेचर्स. तो जब तक आप एक स्ट्रेट पाथ में घूमते रहेंगे, सपोज यू आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे जा रहे हैं आप अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ तक की पोजीशन को हम बोलेंगे द पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पोजीशन ए टू बी. एंड जैसे ही पार्टिकल ने या फिर आपके व्हीकल ने एक स्मॉल टर्न लिया, तो इसको हम बोल देंगे कर्व पाथ. ठीक है, सो बी टू सी इज कॉल्ड एज कर्व पाथ. और जो आप पूरा कॉम्बिनेशन लेंगे, दैट इज ए बी and BC, this will be called as curvy linear path. Means it is a combination of curve as well as the linear path. Hence our journey or our riding on a vehicle every day is the curvy linear path, because this is a combination of a straight line as well as the curved paths. नेक्स्ट पॉइंट कम्स पाथ लेंथ. तो पाथ लेंथ मीन्स, देखो आपको नाम से क्लियरली पता चल रहा है पाथ की लेंथ, इट मीन्स दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एंड next point we take as displacement. So इसको break करेंगे आप parts में, displacement. So this is the operation to remove an object from its initial position. So again you will be taking a frame of reference, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट आप लेंगे अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक, एंड थर्ड पॉइंट में आप दो पोजीशंस लेंगे. वन विल बी द इनिशियल पोजीशन एंड अनदर विल बी द फाइनल पोजीशन. अब आपने पार्टिकल को रखा इनिशियल पोजीशन पर, तो सपोज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले लें, सपोज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी आर टेकिंग आवर होम, स्वीट होम. ठीक है, ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आप इसकी स्पीड को बोलेंगे इज इक्वल टू जीरो. अब आपने लिया एक रेफरेंस पॉइंट, सो सपोज रेफरेंस पॉइंट इज द गार्डन लोकेटेड इन योर लोकेलिटी. अब आपने चूज कर ली इनिशियल पोजीशन, सो इनिशियल पोजीशन सपोज चूज की मैंने पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए. एंड अब हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे विच विल बी शोन बाय द मिड पॉइंट ऑफ द गार्डन. तो हमने इस तरह से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस इज सपोज जी आई. एंड नाउ वी गो आफ्टर टेकिंग अ सर्टन पाथ, नाउ वी रीच टू दिस पोजीशन. सपोज दिस पोजीशन इज इंडिकेटेड एज एफ, दैट इज द फाइनल पोजीशन. So now we will be joining the garden to that particular
पॉइंट एफ. सो हम लोगों ने गार्डन से, गार्डन के मिड पॉइंट से पॉइंट एफ को सीधा ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट ज्वाइन किया. सो वी आर चेकिंग, आपके पास में जो पाथ है, पाथ इज शोन बाय द ग्रीन मार्कर. सो दिस ग्रीन मार्कर विल बी इंडिकेटिंग अस द एक्चुअल डिस्टेंस और द पाथ लेंथ. तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर लेंगे. अब ऐड कैसे करेंगे, चेक करेंगे. सबसे पहले ये आपके पास स्ट्रेट लाइन पाथ है, देन कर्व पाथ, देन स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन, देन अगेन स्ट्रेट लाइन, एंड देन अगेन स्ट्रेट लाइन. तो आप ये सारे पाथ्स को ऐड कर लेंगे, दैट विल बी गिविंग अस पाथ लेंथ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्टेंस. ठीक है, बट अब हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, दिस इज द shortest distance covered by the object. तो सबसे पहले आप पूरी final distance check करेंगे final position के through. तो that will be called as gf vector minus gi vector. So this is giving us the displacement. So let's take an example. हम लोग ड्रॉ करते हैं एक सर्कल. तो सपोज एन एथलीट इज रनिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल. सो ही स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, कम्स टू पॉइंट बी, एंड देन कम्स अगेन टू पॉइंट ए. सो व्हाट आर द स्टेप्स कवर्ड बाय एथलीट? ही कवर्स द डिस्टेंस ए बी, एंड देन ही कवर्स द डिस्टेंस बी ए. So suppose we have to find the distance. So the distance is actual path length, which will be equal to complete circumference, that is 2 pi into r, where r is the radius of this circular garden. And on the other hand, we have to check for the displacement. तो डिस्प्लेसमेंट में आप चेक करते हैं फाइनल पोजीशन, एंड देन आप ओ एफ वेक्टर मींस फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर माइनस कर देते हैं. सो ओवर हियर द फाइनल पोजीशन इज आल्सो ए, एंड द इनिशियल पोजीशन वाज आल्सो ए. सो वी विल बी टेकिंग ओ ए वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. सो दिस विल बी इक्वल टू अ नल वेक्टर. तो आपके पास पूरे वन फुल सर्कमफेरेंस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आंसर हो जाएगा जीरो, वेयर एज इन वन फुल रिवॉल्यूशन वी कैन हैव द आंसर फॉर द डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. नाउ टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. So as the word describes in itself, uniform. So for this we can check if the object covers equal displacement in same direction in equal intervals of time, then its velocity is called as uniform velocity. Then the concept is called as uniform velocity. But अगर आप यहाँ जो भी vector quantities थे आपके पास उनके place पर अगर distance लेते हैं, means scalar quantity लेते हैं, so we can complete the definition. If the object covers equal distance word आ जाएगा यहाँ, which is a scalar quantity, always added directly in equal intervals of time, then the object is said to have
uniform speed. So according to this, we define some points such as what is the meaning of average velocity and the meaning of average speed. ठीक है, आपके पास ये दो कंसेप्ट आते हैं. तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल एक्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि बेटा वेलोसिटी कब बनेगी, जब आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल्स डेल टी इन विच दैट पर्टिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट अकर्ड, in which displacement occurred. So we will be taking example to illustrate both the things. Now take next concept of average speed. So sabse pehle average speed ko define karenge hum. It is defined as average speed means aap total distance ko total time se divide kar denge. सो टोटल डिस्टेंस को हम बोलते हैं टोटल पाथ लेंथ. ठीक है, आप बिना कुछ भी ऑपरेशन किए हुए सारे के सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे. सो व्हेन द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस, जिस पूरे टाइम में मोशन हुआ है, आप टोटल पाथ लेंथ को उस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे. सो द क्वांटिटी वी विल बी ऑब्टेनिंग इज एज द एवरेज स्पीड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो एक लिख लेंगे. सो एग्जाम्पल से बिकॉज हमेशा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है फिजिक्स में या किसी भी साइंस सब्जेक्ट में. तो एग्जाम्पल ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वी आर टेकिंग अ ग्राफ. ठीक है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन काफ़ी है आपको इस चैप्टर में. सो ये आपने लिया वाई एक्सिस एंड ओवर हियर वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस. नाउ on x axis we are indicating the time in second and on y axis we are indicating the position. ye dhyan rakhna hai beta aapko, yahan x aapko bata raha hai position. theek, and let we are taking position in meter. so we have put this m in the bracket. ab aapke paas mein पॉइंट्स हैं, दिस इज 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. हमने इक्वल इंटरवल्स पर पार्टिकल की पोजीशंस ले ली हैं एंड ऑन एक्स एक्सिस वी आर इंडिकेटिंग 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन, 6, 7 एंड सो ऑन. अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर. सो द ग्राफ आई हैव प्लॉटेड इज लाइक दिस. इस तरह का हमने ग्राफ प्लॉट किया. ठीक है, कि आपको रियलिटी में पार्टिकल की पोजीशन और टाइम के बीच में इस तरह का एक कर्व मिल रहा है. जैसे 9th 10th से आपने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया हुआ है. सो सपोज वी वॉन्ट टू टेक द एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल between t equal to 0 to t equal to 7 seconds. ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है स्टार्टिंग से लेकर t equal to 7 second तक. तो सबसे पहले चेक करेंगे व्हाट इज द
what is the position of the particle at zero time. So obviously this is 0 0. Next check karenge, what is the position of the particle when the time occurred as 7 second. So we can check this perpendicular and the same perpendicular should be drawn on the y axis. Is tarah ka humne perpendicular plot kiya. So might be this point is 35 if we extend the y axis. So what do we observe? That at 7 second the position of the particle is around 35 meter, and at 0 second the position of the particle is again 0. So what can we take as the average velocity? Indicate jab karenge aap to average word subscript mein laga denge. So this is the displacement of the particle at 7 second minus the displacement of the particle at 0 second divided by 7 second minus 0 second by the concept of average velocity. So we may have average velocity equal to 35 minus 0 divided by 7 minus 0. So it is equal to 5 meter per second. Now average velocity, ye jo aapke paas jo bhi aapko value milegi, that may be positive, negative or it may be zero. So positive kab hogi aapke paas average velocity? When the object is going to the destination. Jaise आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, आपके पास मॉर्निंग से हम आपका डेली रूटीन लेते हैं, तो यू आर गोइंग फ्रॉम योर होम टू द स्कूल. सो द एवरेज वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. ठीक. अब जब आप स्कूल कंप्लीशन के बाद स्कूल से अपने घर वापस आएंगे तो वापस को हम बोल देंगे रिटर्निंग. So when you are returning to your home or when any object returns to its initial position, then the average velocity is taken to be as negative because the displacement is negative. And when the initial position is same as the final position, it means when the displacement is equal to zero, then we say that the average velocity of the object is equal to zero. It means null vector. So ek bar summarize karenge, displacement, average velocity and for the answer. So when the object is going towards a particular point, then the displacement is positive as well as the average velocity is positive and the answer is also positive. But when the object is returning to the initial position, then the displacement is taken as negative. Hence average velocity is negative and answer we will be treated as negative because average velocity is always equal to the net displacement divided by the time interval in which certain displacement has taken place. Taking next point as average speed. So as speed is a scalar quantity, so we take its formula just as without vector. This is equal to the total distance covered by the object in total time and it is always positive kyunki aap distances ko hamesha sirf add karenge. So in the conclusion we can say, in conclusion we may say that average speed is equal to the magnitude of average velocity
if the particle has same direction throughout its motion. ठीक है, suppose आपने initial point लिया A and final point लिया B, तो आपने particle को पहुंचाया A से B तक. Let distance AB is 400 meter और वो particle ने cover किया 10 second में, तब उस समय आप बोल देंगे the average speed, it means 400 meter in 10 second is equal to the average velocity will also be equal to 400 meter divided by 10 second. तो उस समय आपको दोनों का आंसर मिलता है 40 meter per second because the particle is not changing its direction. But अगर particle अपनी direction change कर लेता है then average speed and average velocity will not be same. Next concept we are going to take instantaneous velocity and instantaneous speed. So instantaneous means at the particular time interval, जो भी आपको given होगा particular time given होगा, तो for this we are using the words instantaneous means at that instant. So we can define instantaneous velocity that this is the velocity of object at an instant t. So this can mathematically be expressed as instantaneous velocity, that is in subscript laga denge hum. This will be equal to limit del t tends to 0 because instant hona chahiye wo. तो वो टाइम इंटरवल इतना स्मॉल होना चाहिए आपके पास दैट इट शुड बी नेग्लेक्टेड. सो दिस लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लिमिट फॉर द क्वांटिटी एज इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस दैट डेल्टी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड. आपके पास मेन पॉइंट है डिस्टेंस एंड टाइम को आपको नलीफाई करना है. सो अगर आप इसको कैलकुलस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी. नाउ सिंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले रहे हैं आप तो यहाँ भी आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेयर एज the time interval is taken as negligible. Around आपने बहुत इतना small लिया है कि आप उसको पूरी तरह से neglect कर सकें. So we can use this equation graphically or numerically. दोनों तरीके से आप इसमें calculations कर सकते हैं. So we have two methods to calculate answer for instantaneous velocity or instantaneous speed by the graph or by the numerical. ठीक है, तो एक हम लोग example लेते हैं जिसमें फिर से हमें graph plot कर रहे हैं. So this is y axis जिस पर express करेंगे हम the displacement and this is x axis at which we will be indicating the time. So time is taken in second and the displacement is taken in meter. अब आपने फिर से एक graph consider किया. This is for the actual position or actual displacement covered in particular time intervals. So अब इसमें instantaneous word के लिए we cannot have the large interval. आप इस तरह के large interval को consider नहीं कर सकते. You have to take two points very close to each other so that the concept of del t tends to zero may come over here. तो सबसे पहले हमने ये लिया एक point P and this is another point Q. So when we draw a tangent at the point P, हमने यहाँ tangent plot की. So this is indicating the velocity at point P and at Q again we have drawn a tangent. This is indicating velocity at the point Q. So we are indicating them with the help of vector quantities. So what will be the
instantaneous velocity between the points P and Q, that is shown by limit del t tends to 0, जिसमें आपने यहाँ पर perpendiculars plot किए, तो आपके पास ये जो small interval आया, this is del t, and again, drawn perpendicular on y-axis, तो ये जो आपके पास small distance displacement आया, this is del x, so we can write limit del t tends to 0, then del x divided by del t, and in all, in calculus form, this can be written as d by dt of x, that is rate of change of displacement with respect to time. And suppose we want to find the instantaneous speed, then just we have to differentiate x with respect to t. तो जो भी आपको x given है, तो सबसे पहले हम short में देख लेते हैं differential calculus. इसके लिए बेटा आप मेरे previous videos refer करेंगे, which is the mathematical tools in physics. तो उसमें आप detail में देख लेंगे. फिलहाल we are using a main formula, that is a power rule for differential calculus. So this gives us the power, and the new power of x will be reduced by 1. So this is x raised to n minus 1. So अब हम लोग इस पर से एक example ले लेते हैं. Suppose we have to find out d by dx of x raised to 7. So this is equal to 7 into x की power अब हो जाएगी 7 minus 1. So the answer is 7 into x raised to 6. And suppose we want to find out d by dx of 4 into x raised to 4. So this 4 is a constant. तो सबसे पहले आप इस constant को बाहर ले लेंगे, क्योंकि constant का rate of change होता है 0. और अब आप differentiate करेंगे x to the power 4 को. So this will be 4 into power सामने आ गई, और न्यू पावर एक से रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस आंसर इज 16 इंटू एक्स रेस टू 3. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आप बोलेंगे द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट टी. सो दिस इज फाउंड बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस. तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं पहले इसके लिए. राइट अ क्वेश्चन. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एक्स इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस टू टी, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल. अब चेक कर रहे हैं आप, सिर्फ स्पीड बोला हुआ है और इनिशियल बोला है. तो व्हेन एवर इन काइनेमेटिक्स वी यूज द वर्ड इनिशियल, यू हैव टू टेक द स्टार्टिंग, दैट इज पुट टी इक्वल टू 0. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड. ठीक है, तो सबसे पहले आप इनिशियल स्पीड निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे. x का एक्सप्रेशन है, चेक दिस, x इज एक्सप्रेस्ड एज ए टी क्यूब प्लस 2t. तो इट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आपके पास डिस्टेंस का आंसर भी बढ़ता जा रहा है. सो दैट इज वाई distance over here is not a constant, because this distance is a function of time. तो जैसे ही आपने बोला distance variable है, मतलब आप as usual बिल्कुल छोटे बच्चों वाला formula, that what is the speed, this is the total distance upon total time नहीं लगा सकते. आपको वहाँ पर calculus use करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज अ वेरिएबल इन दिस केस. सो यूजिंग कैलकुलस वी विल बी फाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 2. एंड फॉर द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल,
सबसे पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे, तो स्पीड फाइंड करने के लिए आप x के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे, ठीक सो। और इनिशियल डिस्टेंस पूछा होगा अगर आपसे, दैट इज द पोजीशन एट t इक्वल टू जीरो, तो आप डायरेक्ट x में जीरो पुट कर देंगे t के प्लेस पर। बट इनिशियल स्पीड पूछा हुआ है तो आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज d बाय dt ऑफ a t क्यूब प्लस 2t। नाउ वी विल बी टेकिंग कॉन्स्टेंट्स आउटसाइड, तो सबसे पहले आपके पास है a कॉन्स्टेंट और सेकेंड टर्म में 2 कॉन्स्टेंट, तो आपने पहले a को बाहर लिया, सो दिस इज d बाय dt ऑफ t क्यूब प्लस 2 बाहर लिया d बाय dt ऑफ t। नाउ d बाय dt ऑफ t इज 1 एंड वी आर पुटिंग द आंसर डिफरेंशिएशन फॉर दिस, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू t स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन का आंसर। अब आपको बोला हुआ है इनिशियल स्पीड निकालो आप, तो आपको पुट करना है इसमें t के प्लेस पर 0। सो व्हाट इज द आंसर फॉर जनरल आंसर फॉर स्पीड वी हैव ऑब्टेन्ड एज 3a t स्क्वेयर प्लस 2। तो जैसे ही हम इनिशियल स्पीड निकालने के लिए t को पुट करते हैं 0, वी गेट v इनिशियल इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स पार्टिकल पहले भी मोशन में ही था जब आपने इवेंट को स्टार्ट किया। नाउ फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 4। सो अगेन वी हैव रिटन द जनरल फॉर्मूला फॉर द स्पीड विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन, सो दिस इज 3a t स्क्वेयर प्लस 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t एज 4, सो इट इज इक्वल टू 3a 4 स्क्वेयर प्लस 2। सो दिस विल बी 3 into 16 into a plus 2, सो आंसर विल बी 48a plus 2 meter per second। सो दिस वी हैव फाउंड स्पीड व्हेन टाइम इज 4 second। सो दिस इज द आंसर फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर आपको a की वैल्यू भी गिवन होगी, सो यू कैन फाइंड द न्यूमेरिक आंसर फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। हेंस वी कैन से दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हर समय एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को पजेस करेगी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी यूनिफॉर्म मोशन में ही इंस्टेंटेनियस स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। सो दीज टू पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव टू कवर एज फॉर एक्सिलरेशन, सो राइट न्यू हेडिंग एज एक्सिलरेशन। तो सिमिलरली एक्सिलरेशन को भी आप ग्राफिकली भी कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसके लिए आपके पास वीटी ग्राफ होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे ही आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप मीन्स y2 - y1 / x2 - x1, यू विल बी गेटिंग द एक्सिलरेशन। और वी कैन फाइंड इट न्यूमेरिकली, और फिर न्यूमेरिकली भी आप ये दो मेथड से निकाल सकते हैं, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड विद द हेल्प ऑफ नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन। सो डिफरेंशियल कैलकुलस के हेल्प से इसका फॉर्मूला लेंगे आप, a इक्वल्स टू लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0 dv/dt, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज dv/dt, because we are again taking the instantaneous acceleration and this all will be giving us dv/dt. तो इसमें आपको वेलोसिटी का जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा वो टाइम डिपेंडेंट दिया होगा, उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
Now let's take a graph between velocity and time. ठीक है, हम ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर. On y-axis velocity is expressed and on x-axis time is taken in second. तो सपोज आपको एक्सेलरेशन लेना है. अब दिस इज अ ग्राफ, तो आप यहाँ एक्सेलरेशन जो निकालेंगे वो ग्राफिकली निकालेंगे. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड. तो चेक करेंगे, ये है आपके पास 0 सेकेंड एंड दिस इज 10 सेकेंड. तो सबसे पहले आप इन पर वेलोसिटी की वैल्यूज देख लेंगे. तो एट व्हेन वी आर टेकिंग टी, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? सो व्हेन वी आर टेकिंग टाइम टी एज जीरो, द आंसर फॉर वेलोसिटी इज जीरो, एज वी कैन हैव दिस पेयर ऑफ जीरो कॉमा जीरो. नाउ व्हेन द टाइम इज 10 सेकेंड, देन प्लॉट अ परपेंडिक्यूलर from this certain position. So we may have perpendicular lying at t equals to 10 second and on y axis we may have this position. So it is around giving us 24 meter per second. So when we take time as 10 second, the velocity is about 24 meter per second. Now we may have acceleration between 0 to 10 as v2 minus v1 upon t2 minus t1. So putting the values, this is 24, this is 24 minus 0 divided by 10 minus 0. So answer will be 2.4 meter per second square. Now check for the interval between t equals to 10 to t equals to 18. तो चेक करेंगे, इस इंटरवल में आपके पास वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है. ठीक है, ये चेक कर सकते हैं हम. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. तो आप इस ग्राफ को देखते ही बोल देंगे इस एक्सेलरेशन possessed नहीं करता, मतलब no acceleration possessed in this interval of time. So we can have acceleration between 10 second to 18 second is equal to velocity at 10 second minus velocity, or velocity at 18 minus velocity at 10 upon time at 18 minus time at 10. So this is equal to 24 minus 24 divided by 18 minus 10. So this answer is 0 meter per second square. तो आप बोल सकते हैं कि the object is moving in the interval 10 second to 18 second by uniform motion. So obviously जब भी object uniform motion से जाएगा तो इट वोंट हैव एनी एक्सेलरेशन. तो कई बातों को आपको ग्राफ से देखकर ही कंक्लूजन मिल जाएगा दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन और व्हाट इज द वेलोसिटी. तो चेक करेंगे, सबसे पहले आपने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड सेकेंड वी हैव टेकन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप जब भी लेंगे आपको स्लोप का आंसर मिलेगा. स्लोप मींस ऑलवेज द क्वांटिटी टेकन ऑन y एक्सिस अपॉन द क्वांटिटी टेकन ऑन x एक्सिस. सो ओवर हियर वी हैव टेकन डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस एंड टाइम ऑन x एक्सिस. तो जैसे ही आप डिफाइन करते हैं स्लोप, ये आपको दे देता है वेलोसिटी. ठीक है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने वेलोसिटी को लिया y एक्सिस पर and time was taken on x axis. So जैसे ही आप slope निकलते हैं, this is velocity upon time which possesses the dimensions of acceleration. अब displacement time graph में जैसे ही आप area निकलते हैं, means you multiply x into t, it does not give any useful quantity. It does not give any useful quantity. So there is no need to find area in the displacement time graph.
But in velocity time graph, whenever we find area under graph and time axis, we have the multiplication of velocity into time. तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करके देखिए आप एल वन टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टी सो दिस इज इक्वल टू ओनली एल वन सो इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ द एरिया अंडर कर्व गिव्स अस द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्राफिकल कैलकुलेशन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चेक काइनेमेटिकल इक्वेशंस For uniformly accelerated motion. तो सबसे पहले आप words देख लेंगे First necessity is the acceleration of the object must be uniform. सिर्फ तभी आप apply करेंगे kinematical equations. So the foremost condition is acceleration of the object must be constant in the given time interval और ऐसा कब होगा जब acceleration एक time का function ना हो suppose example I say a equals to 4t plus 3 तो at t equal to 0 acceleration is 3 meter per second square at t equals to 1 acceleration is 7 meter per second square तो आपको मिल गया कि नहीं जब acceleration time का function है तब acceleration एक variable quantity है so we don't have to consider this case whenever acceleration is a time function we cannot apply kinematical equations. So now check what are the three kinematical equations. ये भी आपने ninth class में पढ़े हुए हैं. Three kinematical equations के लिए हमको पहले कुछ quantities का introduction लेना पड़ेगा. So let we are taking the initial velocity of the particle as V0. Then the final velocity of the particle as V. The acceleration of the particle as A. The displacement means the final position minus initial position to be taken as X. And the time interval in discussion is to be taken as t. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं first kinematical equation. So in the left column, I will be writing the usual form. But in the right column, I will be writing just the NCRT forms. So check first kinematical equation over here. And then first kinematical equation according to NCRT. तो आपके पास usual form आता है V equal to U plus A T usual form. And according to NCRT, we may have this V equal to V zero plus A T. ठीक है? Because in NCRT we have taken V zero as the initial velocity. फिर आपके पास आया नेक्स्ट सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज द यूजुअल फॉर्म सो दिस इज वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस एंड अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी दिस इज वी स्क्वेयर इक्वल टू वी जीरो स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स एंड प्रूफ्स आर ऑल्सो गिवन इन एन सी आर टी But since this is a revision session, therefore we are discussing only the important points. Third kinematical equation is S equal to UT plus half AT square. And over here for S, we may have X equal to V0T plus half
ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इस तरह से आप इनके डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं एंड सपोज द इनिशियल पोजीशन इज डिफरेंट, देन आप इसको ले सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स जीरो प्लस द एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड, देन बाय ट्रांसफरिंग दिस एक्स जीरो टू लेफ्ट हैंड साइड यू कैन फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट विच इज नीडेड फॉर द काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन एक्सप्रेशन। फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दिस इक्वेशन इज जनरली कॉल्ड एज सेकेंड। थर्ड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, एंड मोस्ट जनरल वी कैन ऑल्सो टेक द एनसीईआरटी फॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक कम्स एज फ्री फॉल, विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्री फॉल का वर्बल मीनिंग क्या है। वेन एन ऑब्जेक्ट, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेटेड, क्योंकि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेटेड होगा वो, डाउनवर्ड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करते हैं दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, एज वी कैन नेग्लेक्ट द होल शेप ऑफ द अर्थ, जस्ट वी आर टेकिंग द सरफेस। अब इस सरफेस में आपने कंसेप्ट लिया नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब आप बहुत ऊपर से ऑब्जेक्ट को नहीं गिराएंगे, लेट दिस बी सेंटर ऑफ अर्थ। आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दिस ऑब्जेक्ट वर्चुअली विल बी मूविंग towards the center of earth by the force of gravity, ठीक है। उस पर gravitational force लगेगा and gravitational force is always attractive, so this virtually be moving towards the center of earth, तो इसमें एक acceleration produce होता जाएगा which is called as acceleration due to gravity, g के कारण उसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। सो ए को आप यहाँ एक्सप्रेस कर देते हैं जी से, तो वी कैन नॉट से दैट द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है और इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप लगा सकते हैं थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस। So let's take three kinematical equations again. First v equal to u plus at, second s equal to ut plus half at square, and third is v square equal to u square plus 2as. तो जब भी आप ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल लेंगे तो आप इनिशियल स्पीड को ले लेंगे जीरो, ठीक है, इनिशियल स्पीड को ले लेंगे जीरो। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, देयरफॉर वी विल बी पुटिंग एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन वी मे हैव वी इक्वल टू माइनस 9.8 टी, फाइनल वेलोसिटी आप इस इक्वेशन से कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी कैन अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में भी आप u के प्लेस पर पुट कर देंगे जीरो, s के प्लेस पर आप पुट कर सकते हैं y बिकॉज द मोशन इज अलोंग y एक्सिस, सो दिस इज y इक्वल टू जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, and again for g we can have 9.8. then in third equation v square equal to minus 19.6 into y because this was 2 into 9.8 and s
ए को आपने लिया माइनस जी और एस को आपने लिया वाई, तो जैसे ही आपने ए को लिया माइनस जी, दिस इज माइनस टू इंटू 9.8 इंटू वाई विच गिव्स अस माइनस 19.6 इंटू वाई. सो दीज इक्वेशंस गिव अस द वेलोसिटी, ये तीनों इक्वेशंस आपको देंगे वेलोसिटी एज वेल एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड हेंस दे कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली. एंड जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन. सपोज आपको बोला हुआ है कि एक्स टी ग्राफ प्लॉट करो, तो आप इक्वेशन लेंगे सेकेंड. ठीक है, सपोज आपको बोला है कि आप वी टी ग्राफ प्लॉट करो, देन यू मे हैव फर्स्ट इक्वेशन. एंड सपोज द ग्राफ इज टू प्लॉट बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल बी टेकिंग द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. तो ग्राफ से आप डिफरेंट डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं. कभी भी ग्राफ में जब आपको स्लोप कैलकुलेट करना होगा, विच इज द ग्रेडियंट, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एंड वेन एवर फ्रॉम द ग्राफ द एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड, दैट शुड बी द प्रोडक्ट ऑन द क्वेंटिटी, टू क्वेंटिटीज. सो दैट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ क्वेंटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय द क्वेंटिटी ऑन वाई एक्सिस. तो ये आपको इंस्टेंटली चेक करना पड़ेगा कि एरिया आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है, एंड स्लोप को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं. सो नेवर बी अफ्रेड फ्रॉम द ग्राफ्स. नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक एज कि सपोज एक व्हीकल है, ये डेली लाइफ में आता है आपके पास एग्जाम्पल. आपने एक व्हीकल को बिल्कुल तेज स्पीड से जा रहा था और आपने ब्रेक लगा दिया, तो जैसे ही ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के पहले एक मेन इंसिडेंस हुआ था. आपने ब्रेक क्यों लगाया? क्योंकि आपने कोई ऑब्स्टेकल देखा, ठीक है, कि जिससे टकराने के बाद कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी, तो वो ऑब्स्टेकल से, कोलिजन से बचने के लिए आपने ब्रेक लगाया. तो जैसे ही ये सपोज दिस इज अ व्हीकल, सपोज दिस इज अ व्हीकल एंड इट हैज सीन दिस ऑब्स्टेकल, कि उसने अपने सामने देखी कि एक वॉल है, ठीक है. अब जैसे ही उसने अपने सामने एक ऑब्स्टेकल देखी, मीन्स हमारे सामने एक सिचुएशन अपीयर हो गई, तो वी विल बी टेकिंग इंस्टेंट एक्शन, इमीडिएट एक्शन लेंगे हम. ये बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, यू स्पीड से जा रहा है, एंड यू इज वेरी वेरी हाई. तो जैसे ही हम इंस्टेंट एक्शन के लिए कुछ टाइम खुद को देंगे, इन विच वी रियली रिस्पॉन्ड, सो दैट टाइम टेकन बाय अस टू रिस्पॉन्ड विल बी कॉल्ड एज द रिएक्शन टाइम. रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि आपने एक्शन लेने का कब सोचा? जब आपको सामने ऑब्स्टेकल दिखा. अब आपके ब्रेन ने कुछ टाइम लिया कि कैसे रिस्पॉन्ड देना है, क्या हमको व्हीकल को टर्न कर देना है, क्योंकि दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या आप व्हीकल को टर्न कर लें इफ देर इज सर्टेन सफिशियंट स्पेस, या फिर अगर आपके पास सफिशियंट स्पेस नहीं है तो आप ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक लगा दें. तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे ये डिपेंड करेगा रिएक्शन टाइम पर. सो द टाइम टेकन बाय अस ऑन द विल बी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन. एंड सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास, जो सेकेंड पॉइंट ब्रेक लगाने के बाद आता है आपके पास, दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक, हमने सपोज यहीं पर हमने व्हीकल को ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी वो हल्का सा डिस्टेंस कवर करेगा,
So that halka sa distance covered by the particle will be called as the stopping distance. तो जैसे ही ब्रेक लगाया तो वॉट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट बिकम्स जीरो. सो वी मे अप्लाई अगेन द काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन द बेस्ट सूटेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा इन द क्वेश्चन. सो डियर ऑल, टुमोरो वी विल बी डूइंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस as they are given in different books. So till then, revise the problems with the help of NCERT and your textbook. Thank you.